हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, ये अडेनियम का प्लांट एक नई वैरायटी का पौधा है और इसके अंदर ब्रांचे बहुत अधिक हैं। यानी इतनी ज्यादा ब्रांचे वाला कोई और दूसरा हमने प्लांट नहीं देखा है। यानी अरेबिकम के अंदर भी काफ़ी ब्रांचे होती हैं, लेकिन इस जैसी ब्रांचे हमने किसी भी वैरायटी के अंदर नहीं देखी हैं जितनी की ब्रांचे इस प्लांट के अंदर होती हैं। और ये मुझे एक नर्सरी के अंदर छोटा सा बेबी प्लांट नज़र आया था और वहाँ से ये मैं इसको लेके आया। इसकी ज़्यादा ब्रांचें देखी तब मुझे बहुत ही ये सुंदर अच्छा लगा और मैं इसको लेकर आया हूँ। तो साथियों, ये बिल्कुल अरेबिकम की तरह, जैसे कि आपका कोडेस होता है, तो कोडेस के ऊपर से ही सारी ब्रांचें एक साथ निकली हैं। यानी ये इसकी तारीफ है कि बिल्कुल अरेबिकम जैसी ही कोडेस के साथ ही एकदम से सारी ब्रांचें निकली हैं। ऊपर जाके जो हमने प्रून करा था तो इसमें से थोड़ी डबल हो गई हैं। वैसे सारी ब्रांचें इसमें 20-25 ब्रांचें लगभग इसकी अंदर से कोडेस के ऊपर से निकली हुई हैं। देखिए, बिल्कुल नई वैरायटी है। और ये मैं जब लाया था तो ये बहुत ही छोटा सा बेबी अडेनियम था और ओनली 50 रुपये का नर्सरी वाले ने ये मुझे दे दिया था। तो ये मैं लाके मैंने लगाया और ये पिछली साल बरसातों में एकदम से ये इतना ही मोटा हो गया। ये पिछली साल बरसात में इतना मोटा हो चुका था, तो इस साल तो अभी तो ये नहीं, इसका कोडेस बड़ा है। अब बरसात में देखते हैं कि ये कितना मोटा होगा। तो पिछली साल इसके अंदर फ्लोवरिंग बिल्कुल नहीं हुई थी, तो मुझे ये अंदाज़ था कि ये कुछ ऐसी वैरायटी लग रही है कि मुझे लग रहा है इसके अंदर फूल नहीं आएंगे। ये कुछ जंगली टाइप का प्लांट लग रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्रांचें लिमिट से बाहर थी। इसके अंदर असल में क्या हुआ कि ये ब्रांचें जो इसकी हैं वो थोड़ी हैवी नहीं हैं। यानी ब्रांचें तो ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ही पतली हैं, लेगी टाइप की इसकी ब्रांचें हैं। तो मुझे ये अंदाज़ा लग रहा था कि शायद इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। फरवरी के अंदर जब हमने इसके अंदर फर्टिलाइज़र दिया NPK 052-34, जब मैंने इसके अंदर भी डाल दिया, जब सारे प्लांटों में दे रहा था तो मैंने इसके अंदर भी डाला, तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला कि इसके अंदर बहुत सी अच्छी भर के फ्लावरिंग हुई और इसकी जो फूल था वो बिल्कुल अरेबिकम जैसा ही था। तो इसका मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये प्लांट अरेबिकम की क्रॉस है। यानी ओवेसम और अरेबिकम का जो क्रॉस पोलिनेटर कर देते हैं तो उस पर जो सीड बनता है वो दोनों की क्रॉस का बनता है, तो इस वजह से वो असर आ जाता है एक दूसरे के अंदर है। तो इस तरीके से ये प्लांट हमारा अरेबिकम क्रॉसिंग ही लग रहा है क्योंकि इसका जो फूल है वो बिल्कुल अरेबिकम जैसा है और जो लीव्स हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे लीव्स हैं। तो हो सकता है कि ये अरेबिकम का क्रॉस हो। फिर इसके अंदर एक सीड पोर्ट भी आया था लेकिन वो सीड पोर्ट ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया और बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी और वो सीड पोर्ट जो था वो सूख गया। तो इस वजह से इसकी, नहीं तो इसकी और नस्ल बन जाती तो देखते आगे इसकी वैरायटी कैसी बनेगी। तो इस वजह से वो सीट ही मेरा ख़त्म हो गया। तो आज साथियों क्या करना है मुझे, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ही छोटे पोर्ट के अंदर लगा हुआ है, ये काफ़ी मोटा प्लांट हो गया है का पोर्ट है वो काफ़ी छोटा है। तो क्या हुआ है कि ये है, नीचे से रूट बॉन्ड हो गया है। ये देखिए सारे रूट इसके ये नीचे से निकलने लगे हैं। अब अगर ये रूट बॉन्ड हो जाएगा और ये रूट से ड्रेनेज होल बंद हो जाएगा तो इसके अंदर पानी भरने लगेगा, तो बरसात में बड़ी दिक्कत होगी। बरसात में अगर इसमें पानी भर गया, रात बिरात को जब अच्छी बारिश होती है तो गमलों के अंदर पानी भर जाता है और जिसके अंदर रूट बॉन्ड हो गई हैं, जिनकी यानी ड्रेनेज होल में रूट आ चुकी हैं, ड्रेनेज होल को रूट ने बंद कर दिया है, तो वो पानी भरा रहेगा सुबह तक और हमारा प्लांट जो है वो फौरन गल जाएगा। तो इस वजह से हम इसको आज रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा और सेलो गमला देंगे जिससे ये जो है हमारा अच्छा प्लांट ग्रो करता रहे और ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है रूट बॉन्ड की ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि बरसात में इसके रूट और तेज़ भागेंगे और उसके लिए इसको जगह चाहिए। अगर नहीं तो ये नीचे से निकल के और इधर उधर फैलेंगे, वहाँ से रूट रोट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से इसको आज हम दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे
और ये इसको इसी तरीके से हम ऐसे ही निकालेंगे, डिट्टो निकाल के और ऐसे ही उठा के दूसरे गमले में रख देंगे। इसकी सॉइल वगैरह को हम साफ नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी सॉइल के अंदर लगा हुआ है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो जब सॉइल इसकी अच्छी काम कर रही है तो मुझे ज़रूरत क्या है इस सॉइल को हटाने की। हाँ, इसी क्वालिटी की दूसरी सॉइल हम बनाकर और इसके जो बड़ा गमला लगाएंगे उसके अंदर रख के और चारों साइड वो वाली सॉइल हम डाल देंगे और थोड़े से फर्टिलाइज़र के भी उसके अंदर डालेंगे। तो क्या क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे, किस तरीके की मीडिया बनाएंगे, तो साथियों चलिए देखते हैं। तो अब हमने जो इसके लिए सामग्री ली है वो ये देखिए आप, ये तो मैंने पॉट सेलेक्ट किया है। इसके अंदर थोड़ा सा ये हमने सूखे पत्ते और छोटी लकड़ियाँ वकड़ियाँ टूटी थी वो सब डाल दी हैं और ड्रेनेज होल पर इसकी हमने ठिगड़ी रख के और ये बेस इसकी तैयार कर दी है। अब ये मैंने ली है सॉइल, ये सॉइल बहुत अच्छी बिल्कुल प्योर और नई सॉइल है। तो इस सॉइल के अंदर ही हम सारा अपना मटेरियल मिलाएंगे। तो उसके बाद में इसके अंदर जो मिलाना है वो धान की भूसी है। ये देखिए, ये धान की भूसी मिलानी है। थोड़ी सॉइल है तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में ही हर चीज़ मिलाएंगे। और ये है ईंट की सुर्खी जो ईंटों से झड़ती है, जब ईंटें भट्टे पर से आती हैं तो उसमें से ये झड़ती है। तो ये मैं भर के ले आता हूँ और अपने एडेनियम प्लांट की सॉइल में ज़्यादातर इसको डालता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है। एक तो ये पोटासियम का काम करता है, दूसरे पानी को होल्ड भी करता है। इसके अंदर ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ईंट के, ये पानी को होल्ड भी कर लेते हैं और बाकी की ये जो सॉइल है उसको ये वल्ड्रेन भी बनाता है, यानी दोनों काम करता है। इसकी जो छोटी छोटी ठिगड़ी हैं वो तो पानी को होल्ड करती हैं और बाकी ये रेतीली टाइप का है होता है सॉइल है आपकी, वो वल्ड्रेन बना देता है। तो इसकी वजह से पानी बिल्कुल प्लांट के अंदर ठहरता नहीं है। तो दो चीज़ें ये हो गई, एक तो धान की भूसी और दूसरा ईंट की सुर्खी। अब इसके बाद में जो फर्टिलाइज़र डालेंगे साथियों वो ये है नीम की खली, ये एक टीस्पून के करीब मैंने ली है और बोन मील कुछ ज़्यादा ली है, थोड़ी सी करीब दो टीस्पून के करीब ली है। बोन मील थोड़ी ज़्यादा ली है, ये करीब दो टीस्पून है और चंद दाने मैंने ये थोड़े से डीएपी के लिए हैं। तो डीएपी और बोन मील ये दोनों फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र है और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र तो नीम की खली भी है और लेकिन ये जो है चींटी वगैरह जो लग जाती हैं प्लांट के अंदर, नीम की खली जो है फंगस भी नहीं लगने देती है प्लांट में आसानी से, क्योंकि ये कीड़े वगैरह जो पैदा होते हैं उनको मार देती है फंगस वगैरह को। तो इस वजह से नीम की खली फर्टिलाइज़र का भी काम करती है और आपका किसी किस्म की बीमारी भी नहीं पैदा होने देती है। तो ये तीन चीज़ें ये हो गई हैं। तो इन सबको हम मिलाकर और उसके बाद में दोस्तों ये डालूंगा इसमें हम साफ सॉइल के अंदर मिला के और फिर अपने इस प्लांट को हम निकाल कर ये इस पॉट से और इसमें हम अपने इस वाले पॉट के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सॉइल के अंदर ये सब चीज़ें मिला लेते हैं। तो धान की भूसी डाल देते हैं और उसके बाद में ये ईंट की सुर्खी ये भी इसी में डाल देंगे और फिर हम अपना ये मटेरियल जो फर्टिलाइज़र का है ये भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और फिर हम फंगिसाइड डालेंगे इसमें। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला लें। तो साथियों ये सॉइल हमने बिल्कुल तैयार कर ली है और अच्छा मिक्सचर बन गया है ये हमारा, बिल्कुल वेल्ड्रेन मीडिया बनके तैयार हुई है। बहुत ही अच्छा प्लांट हमारा इसके अंदर ग्रो करेगा। अब हम इस प्लांटर से अपने ये इस एडेनियम को निकाल लेते हैं। ये देखिए रूट बॉन्ड हो गया सारा, ये देख रहे हैं आप, सारे रूट भर गए आके नीचे की साइड में। तो अब ये इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है इस तरीके से, जब रूट बॉन्ड हो जाता है तो
ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसको हम अभी इसके अंदर ही रखते हैं और फिर निकाल लेंगे। पहले थोड़ी सी सॉइल हम इसके अंदर डालते हैं, हल्की सी नीचे बेस में इसके थोड़ी सॉइल डालते हैं इस तरीके से, और फिर अपने एडेनियम को इसमें रख के देखते हैं। थोड़ा ऊंचा हो गया लगता है ये, और नीचा करना पड़ेगा। वैसे थोड़ा उठा के ही लगाना हमने। हाँ आप सही है, ये बहुत ही सही रहेगा इसके अंदर ये। अब ये सॉइल जो है इसके चारों साइड इस तरीके से भर दें। तो साथियों, वैसे भी एडेनियम को थोड़ा सा ऊपर उठाकर लगाना चाहिए। अब ये जो सॉइल है ये अपने आप पानी गिरने से, यानी स्प्रे करेंगे या बारिश का पानी होगा तो ये जो सॉइल है ये सारी धुल जाएगी और ये हमारे रूट यहाँ से निकल जाएंगे ऊपर बाहर को, और जो वैसे रूट हैं वो इस सॉइल में चारों तरफ फैल जाएंगे। तो ये जो हमारा जितना मुझे उठाना था एडेनियम, क्योंकि यहाँ से ये रूट को मोटा होने में सहायता मिलेगी ऊपर उठाने से, और एडेनियम खूबसूरत भी बहुत लगता है जितने रूट बाहर निकल के और मोटे मोटे होते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से अब ये जो है प्लांट शॉर्ट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल छेड़ा नहीं है इसके रूटों को, और ऐसे ही उठा के रख दिया है, और अभी फौरन ही ये ग्रो करने लगेगा। यानी इसमें अब बिल्कुल शॉर्ट में ये नहीं जाएगा, लेकिन हमने इसको रखना अभी दो दिन छांव के अंदर है, यानी शेड में ही रखेंगे इसको, धूप में नहीं रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रूट इसका खुल गया है, और उसमें जब रूट के अंदर जब हवा लग जाती है तो वो ज़रूर शॉर्ट में चला जाता है। इसीलिए मैं इसको अभी दो दिन तक शेड के अंदर ही रखूँगा, और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी वगैरह भी डाल देते हैं। तो ये फंगिसाइड का घुला हुआ पानी रखा हुआ है, और इसको अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है बस। कि ये सॉइल जो है ये जम जाए। तो साथियों, एडेनियम हमारा शिफ्ट हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अब ये बहुत ही अच्छा इसमें ग्रो करेगा, और पूरी बरसात अब इसको कोई खतरा नहीं किसी किस्म का। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।